यहाँ खींच रहा है रह रह कर याद है करता ये आप। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर अनिल मिश्रा जी जो कानपुर के CMO हैं, कानपुर नगर चीफ मेडिकल ऑफिसर है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ दो शब्द आप दादाजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें और बाद में पुष्पों के द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, आज के इस दिव्य कार्यक्रम में मंच पर आसीन दिव्य विभूतियां हमारे समक्ष सदन में उपस्थित उस दिव्यता की तरफ बढ़ रही विभूतियों सबको जो बाबा की परंपरा है उसके अनुसार ओम शांति। आज का ये कार्यक्रम जैसा कि परम श्रद्धेय आराधा बहन जी ने कहा कि यह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम न हो करके हम उस दिव्य विभूति को जो एक परिवार की शोभा बनी इसके बाद 8 वर्ष की उम्र में जो सब कुछ छोड़ करके उस राह पर चल पड़ी जिस राह पर चलने के कारण वह हृदय मोहिनी बनी, प्रभु का शिव बाबा का स्थान कहाँ है, क्या आपके मस्तिष्क में है, क्या आपके मन में है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ईश्वर का स्थान बाबा का स्थान हमारे हृदय में है। और जो हृदय को मोह ले उसने किसको मोह लिया, बाबा को मोह लिया। तो वह शोभा जो अपने परिवार की इस सृष्टि की शोभा के रूप में अवतरित हुई, एक आत्मा जो स्वयं में दिव्य थी और दिव्यतम बनने के क्रम में आगे आकर के बाबा के संग जाकर के वह बाबा की ही मोहिनी बन गई, माने शिव बाबा उस परमात्मा को मोहित कर लिया, हृदय को मोहित करके। तब मुझे लगता है उनका नाम हृदय मोहिनी पड़ा होगा। जब हृदय मोहिनी बन गई, ईश्वर तत्व पूरी तरह से आत्मसात हो गया, तो वह ईश्वर तत्व जब आत्मसात होता है, जब ऋषित्व आता है, तो उसमें समदर्शिता की बात भी राधा बहन जी ने कहा कि किसी से भेदभाव नहीं करती थी, कोई कैसा भी हो, कहाँ से आया हो, यह किसका रूप है, यह ईश्वर का रूप है, ईश्वर को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है, यह उस ईश्वर से अपनी तरफ से पूरी अपने हृदय में जो आत्मसात न कर लिया हो वो कोई ऐसा व्यक्त नहीं हो सकता जो हो जाए, सभी में एक समान भाव जिसके अंदर आ जाए। केवल ईश्वर के लिए कहा गया कि समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, एक लोहा घर बधिक परो, यह अंतर पारस नहीं जानत कंचन करत करो। दादी के पास जो जाता था उसको ही वो ईश्वरत्व में से नहला देती थी। यह प्रभाव कि चाहे एक लोहा हो, चाहे वह बधिक के घर में हो,
या एक लोहा जो पूजा मंदिर में घंटी की तरह बधा हो, वह पारस के संपर्क में जो आता है तो सोना बन जाता है। पारस यह नहीं देखता कि वह बधिक के घर से आ रहा है या वह मंदिर की घंटी है। यह जब भाव हो जाता है, इसका मतलब वह आत्मा पूरी तरह से परमात्मा को अपने में आत्मसात कर चुकी है। मुझे लगता है कि संपूर्णता से यदि हृदय मोहिनी शब्द का, उनके हृदय मोहिनी व्यक्तित्व का यदि विश्लेषण किया जाए तो इतने में से हो सकता है कि यही विश्लेषण हो जिसकी तरफ राधा बहन जी ने इंगित किया। उसके बाद क्या किया, जब यह व्यक्तित्व हो जाता है तब तीसरा, बहन जी ने कहा ना कि हमने गुलजार उपवन बनाया। गुलजार का यदि आप शब्दकोश में अर्थ देखेंगे तो अर्थ होता है जो चहल पहल से भरा हो, जो हरा भरा हो, जो अनेक प्रकार के फूलों से, सुगंध से सुरभित हो। तो जब अपना विस्तार किया, और एक और उसका अर्थ बनता है जो शोभा से युक्त हो। अब आप शोभा से चलिए, हृदय मोहनी से होते हुए गुलजार तक जब आइए, आप डिक्शनरी में आज गुलजार का अर्थ देखिएगा तो आपको तीनों में तारतम्य बैठाने में बड़ा आनंद आएगा। और जब उसकी आप अनुभूत करिएगा तब उस अनुभूत में आप समाधि की अवस्था में जाकर के स्वयं आत्मसात उस परम तत्व से, शिव बाबा से, उस हृदय मोहिनी से होती चली जाइएगा। आप एक बार आज करके देखिएगा, आपको निश्चित आनंद आएगा। तो गुलजार जब आपका व्यक्तित्व ये हो गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यदि यह व्यक्तित्व हो गया तो आप क्या करेंगे, ऐसी दिव्य आत्माओं से आपका हृदय सदैव गुलजार रहेगा, हरा भरा रहेगा, शांति में रहेगा, शोभित रहेगा। और यह मंच दोनों तरफ का चाहे, ये दोनों जिसके पास, जिसको याद करने के लिए, जो अव्यक्त रूप से पंचभूत गए ना, पंचभूत उस आत्मा ने विशिष्ट कार्य के लिए धारण किया, धारण करके वह पंचभूत से शोभित एक शरीर धारण किया। और वह शरीर में जब इतना गुलजार हो गया, जब ऐसे ऐसे लोग बैठ गए, दादी बैठ गई, आप बहन बैठ गई, हम भगवती जी जैसे आपके जो एक, मैं मानता हूँ कि इस स्थिति में रह करके भी जो दिव्यता, जो ईमानदारी के साथ कार्य करने की बात है, भाई प्रकाश जी हैं, मेरी बहनें यहाँ जो बैठी हैं, सबसे लगभग मैं थोड़ा थोड़ा, इतना तो नहीं समय मिल पाया, इतना समर्पण नहीं हो पाया कि मैं पूरी तरह से उनके दिव्यता को आत्मसात कर सकूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जितनी बहनें बैठी हैं उनके चरण रज को मैंने ग्रहण अवश्य किया है। उसको अब भी मैं बड़ी, जितनी बहनें बैठी हैं आप सारे लोगों को, यह जब स्थिति आती है तब पूरा बताया ना कि 140 देशों के लगभग, 137 देशों से अधिक में आप जैसी दिव्य आत्माएं उस सतयुग की तरफ बढ़ रही हैं जहां से हमारा पुनः उस सारी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आप जिस आनंद और जिस शांति की तलाश में आज अशांत होकर के, और जो आप दुखी होकर के, जो आत्माएं अपने इस संसार में, इस कलयुग में आके फंसी हुई हैं, उनको राह दिखा करके, उनको सतयुग में ले जा करके सतयुग को गुलजार करने का जो काम किया है, वह हमारी दादी हृदय मोहिनी, वह दादी गुलजार रही। मुझे लगता है एक बात को एक मिनट में पूरी करके मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि ये आत्माएं कहीं नहीं जाती,
उनको अनुभव करिए तो आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ में। लक्ष्मी नारायण का जो स्वरूप द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का है, रासलीला की जब आप बात करिए तो वो उसके रूप को जिस जो भी था, जितनी गोपियां थी, वो गोपियां कौन थी, सब पूर्व जन्म के साधक ऋषि और इस तरह की दिव्य बहने ही तो थी गोपियों के रूप में। उन्होंने कृष्ण को उस भाव में देखा। तो आप हर लोग यदि अभी अपनी आंखें बंद करके वाकई देखना चाहें तो आपको आपके अंदर सूक्ष्म रूप से विराजित हृदय मोहिनी दादी शोभित नजर आएंगी आपके हृदय में, आपके हृदय को गुलजार किए हुए नजर आएंगी। तो उनको हम श्रद्धा सुमन कैसे अर्पित करें, वह श्रद्धा श्रद्धांजलि कैसे दें, तो अपने आप वो हमेशा हैं, हमेशा रहेंगी अपने उस रूप में। तो मैं जैसे उस दिव्यत्व को पुष्प चढ़ाया जाता है, हमारी तरफ से मुझे लगता है कि जैसा भाई प्रकाश जी ने कहा और जैसा कि राधा बहन जी ने कहा कि हम उसको उनको सुमन भगवान को रोज पुष्प चढ़ाते हैं ना, तो उनको इसी तरह से हम पुष्प तो अर्पित करते हैं लेकिन अपने से बिछड़ा हुआ हम नहीं मानते। पंचभूत तो तीनों जो प्रकृति है सत रज तम उसके द्योतक हैं, वो जो तीन जो गुण होते हैं ना उन गुणों के द्योतक हैं, उनको समाप्त कर दिया उन्होंने तो वो दिव्यतम हो गई। उन्होंने वो किसका आकार ले लिया, वो शिव बाबा में समाहित हो गई, तो शिव बाबा के रूप में विराजित हो चुकी हैं। ऐसे जो कार्य किया है वह आपका पूरा धर्म को एक भाव रूप में यदि परिभाषित किया जाता है बहुत छोटी सी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये हमारी जो बहनें जितनी बैठी हैं, आप बैठे हैं, बाबा के साथ मुझे तो पूरा ज्ञान नहीं है लेकिन जो मुझे बताया गया डॉक्टर राम बाबू साहब, जब मैं यहाँ आया, यहाँ के निदेशक रहे 30 वर्ष पहले, यहाँ के CMO रहे, वो मुझे ले आ करके यहाँ परिवार में ले आए। यद्यपि इस परिवार से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और जो मेरी धर्मपत्नी हैं प्रोफेसर शीला मिश्रा जी, वो मुझसे सैकड़ों गुना अच्छी हैं, सैकड़ों गुना समर्पित हैं, सैकड़ों गुना शिव बाबा के समीप हैं। मैं राधा बहन जी से जुड़ा था और यहाँ आप सबकी प्रेरणा से मैं इस परिवार से जुड़ा। तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो बहने हैं वह ऐसा नहीं है कि जो आप वातावरण देख रहे हैं वो एक दिन में तैयार हो गया हो। बाबा के यहां जब माउंट आबू में अरबपति थे, बाबा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हीरे जवाहरात का बिजनेस करने वाले अरबपति थे, जब वो ब्रह्मदेव के रूप में शिव बाबा के रूप में उस चीज को उन्होंने ग्रहण किया और माउंट आबू पर गए, तो वहां जो बहनें जुड़ी थीं, मुझे एक चीज इसलिए आप तक लाना चाहते हैं कि एक दिन में जहां आप बैठे हैं एक दिन में ये भी नहीं तैयार हुआ है, कैसे कैसे तैयार हुआ है। कभी आप प्रकाश भाई साहब से, कभी आप भाई साहब अपने विधायक जी से जब पूछेंगे तो पता चलेगा कैसे इसको आया, कैसे आज यहाँ बैठे हैं। वो माउंट आबू जो 137 देशों में अपने दिव्यता को फैला रहा है, वहां हफ्तों खाने के लिए कुछ नहीं था। बहनें थी, बाबा थे, जो बहनें थी उसमें से कई बहनें जाने के लिए तैयार हो गई, बीमार हो गई थी, बुखार आ गया, न दवा थी न खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा था। मुझे लगता है कि इस चीज को इसलिए मैं इंगित करना चाहता हूं कि तपस्या के उस रूप को भी देखें, केवल इस दिव्य बात के उस माउंट आबू में आप गए हो तो उसको न समझें, उसके इतिहास को भी जानें कि कितनी तपस्या उस माउंट आबू को माउंट आबू बनाने के लिए की गई है और उसमें हमारे भाइयों हमारे बहनों का कितना हाथ है और किस तरह से बाबा ने उनकी परीक्षा वहां पर लिया। हफ्तों जब खाने को नहीं मिला तो बहने कहने लगी इससे अच्छा तो घर में रहते तो सूखी एक रोटी खा करके एक पैरास्टामॉल का टेबलेट तो खा लेते, बुखार थोड़ा कम होता।
उसी समय शायद जैसा कि मुझे बताया गया है हजार जब भक्त काफी बहने जाने को तैयार हो गई सब, एक मनी ऑर्डर आया तो बाबा ने बाजरा मंगाया, बाजरा का पिसा करके उसकी रोटी बाजरे की बनी और छाछ मंगाई गई। तो सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि कुछ बहनों ने जिसमें जिनकी परीक्षा चल रही थी उन्होंने कहा बुखार है, कई दिनों से एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिला है और इस बुखार में, और बाबा ने क्या किया, आधा आधा रोटी बाजरे की और एक एक गिलास या आधा गिलास छाछ भेजा। तो उन्होंने कहा कि इस बुखार में हम बाजरे की रोटी खा के छाछ पिएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन जो दादियां थी, जानकी दादी, हृदय मोहिनी दादी, दूसरे लोग जो इस स्तर के थे, उन्होंने कहा कि बाबा ने महा औषधि भेजा है, इसको ग्रहण कर लो सब ठीक हो जाएंगे। और उन लोगों ने उसी आधी रोटी बाजरा की और छाछ ग्रहण की और ठीक हो गए और बाबा की परीक्षा में पास हुए। आज जो ये आश्रम बने हुए हैं, दादी यहां बहने जो बैठी हैं, इनसे पूछिए, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां थी जब पैदा हुई, किस अवस्था में उन्होंने घर को छोड़ा, घर को छोड़ने के बाद जो करोड़ों में लाखों में खेलता हुआ घर था, उस परिवार को छोड़ने के बाद सर्वे भोंद सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंत माँ कश्चित दुख भाग भवित का अलग जगाते हुए और आपको उस दिव्य आत्मा से मिला करके उस सतयुग में प्रवेश कराने के लिए अपने लिए अपने सिर पर ईंटे पत्थर सीमेंट बालू ढो करके एक एक बिल्डिंग को तैयार किया है। जहां तक मुझे मालूम है आप तो और ज्यादा जानते होंगे, ये तपस्या है, ये कर्मयोग है, जो योग बल के साथ ज्ञान अमृत अपने में धारण करके जो कर्म का तप किया है, उस तप से आगे कह रहे हैं कि हे दिव्य आत्माओं, हम आप सबको उस सतयुग में प्रवेश कराएंगे जहां आप उस परम ब्रह्म की, उस परम दिव्यता की अनुभूत करेंगे, जहां कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उस चेतन अमल और सहज सुख के, सहज शांति की तरफ आप अग्रसित इसी तरह से रहिए, उसे पूरी तरह प्राप्त करिए। मैं दादी आपके साथ हैं, आपके हृदय में प्रतिष्ठित हैं, मैं हृदय में प्रतिष्ठित दादी को एक पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि हमारे साथ इस मंच के साथ आप सबके हृदय में सर्वत जहाँ पर भी है वहाँ पर सभी के हृदय में इसी प्रकार जैसे एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, उसी भावना से जो कुछ हम हैं जैसे हैं अच्छे हैं स्पर्श करके उसी तरह से खरा सोना बना करके उस भूमि में प्रवेश करा दें, इस कामना के साथ मैं सबको प्रणाम करता हूं और आदरणीय प्रकाश भाई साहब को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, बहुत सुंदर अपने शब्दों को श्रद्धांजलि का हमारे सामने रखें।